हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं रॉलेक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ foxmediasolution.com। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाउ टू क्रिएट ए फ्री ब्लॉग। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या फिर आप एक जॉब पर्सन है और आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करके अपना करियर और फ्यूचर ब्लॉगिंग बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है, आपके पास ज्यादा टाइम बचता है और उसमें आप कुछ टाइम बचा के अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और ब्लॉगिंग स्टार्ट करके अपना करियर और फ्यूचर बनाने के साथ साथ आप वहां से ऑनलाइन अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ब्लॉग बनाना बताऊंगा, फ्री में आप ब्लॉग कैसे बना सकते हैं और फ्री में ब्लॉग बना के आप कैसे वहां पे पोस्टिंग करके, अपने ब्लॉग पोस्ट करके वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग को, और ब्लॉग को मोनेटाइज करके वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मोटिवेशनल वीडियो देखना है या बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लगातार देखना है, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन देख रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से जानकारी हासिल कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि आप अपने लिए फ्री में ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, ब्लॉगिंग में अपना करियर और फ्यूचर बनाना है, ब्लॉगिंग करके आपको भी पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा फ्री ब्लॉग्स। यहां से आप गूगल में सर्च करिए फ्री ब्लॉग और सर्च बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। सर्च बटन पे दोस्तों, आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ वेबसाइट्स यहां पे खुल रही है। आप यहां पे सबसे पहले वेबसाइट देख सकते हैं blogger.com, जो आप इसके बारे में अगर हो सका तो आप पहले भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्लॉग, जो फ्री का ब्लॉग हम बनाएंगे wix.com पे। wix.com अभी काफी अच्छी जो वेबसाइट चल रही है मार्केट में, इस वेबसाइट पे आप जो है फ्री में ब्लॉग भी बना सकते हैं, वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, अपना बिजनेस भी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे यहाँ पे wix.com पे ब्लॉग, तो इस पे अभी आप एक बार क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे wix.com का जो है ब्लॉगिंग बनाने का या ब्लॉग बनाने का जो है प्लेटफॉर्म या जो पेज है वो आपके सामने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है आपके सामने खुल जाएगा। अब दोस्तों, ब्लॉग बनाने से पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आप ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, ब्लॉग पे कैसे काम करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ से एक बार जो है रीड कर लेनी है या पढ़ लेना है या फिर आपको समझ लेना है। तो अभी हम जो है यहाँ पे इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले वो रीड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है wix.com का, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 6 स्टेप्स के अंदर आपको जो है ब्लॉग बनाने का कंप्लीट प्रोसेस जो है आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक ए ब्लॉग नेम आपको दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले एक ब्लॉग नेम जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो ब्लॉग का टेम्पलेट आएगा, टेम्पलेट आप ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार का ब्लॉग बनाना है, आपको न्यूज वेबसाइट बनानी है या फिर आपको ट्रैवल ब्लॉग बनाना है या फिर आपको फूड से रिलेटेड ब्लॉग बनाना है, कैसा आपको ब्लॉग बनाना है वो टेम्पलेट आपको चॉइस करना है। फिर आपको जो है एक ब्लॉग पोस्ट राइट करना है और उसको पोस्ट करना है। फिर आपको जो है कनेक्ट योर डोमेन नेम, आपको एक डोमेन नेम लेना है और उससे कनेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिश पोस्ट एंड गो लाइव, आप अपने पोस्ट को जो है यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपका पोस्ट यहाँ से लाइव हो जाएगा। उसके बाद अपने पोस्ट को आप शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के बाद अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है तो आप अपने ब्लॉग को जो है मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 6 स्टेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 6 स्टेप्स में आपको कंप्लीट प्रोसेस करना होगा और इन 6 स्टेप्स के अंदर आप अपना कंप्लीट ब्लॉग यहाँ से बना के आप अपने ब्लॉग को जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे और नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे नीचे जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिख वो पढ़ लीजिए। बिल्ड ए सक्सेसफुल ब्लॉग, आपको कुछ टिप्स भी यहां पे जो है मिले हैं, तो इन टिप्स को भी अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ के आप इन टिप्स का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप wix.com पे कंप्लीटली ब्लॉग बना सकते हैं। दोस्तों, wix.com पे ब्लॉग बनाने से पहले जो इन्फॉर्मेशन आपने रीड करी है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली रीड कर लीजिएगा और उसके बाद फाइनली आपको यहां पे जो है क्रिएट ब्लॉग का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब यहां से आपका जो है ब्लॉग बनाने का प्रोसेस जो है अब स्टेप बाय स्टेप आपका स्टार्ट होता है। दोस्तों, ब्लॉग बनाने से पहले यहां पे आपको wix.com पे जो है साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आप अपनी जीमेल आईडी का यहां पे इस्तेमाल करेंगे और आप जीमेल आईडी का इस्तेमाल करने के साथ आपको यहां पे पासवर्ड भी डालने हैं और उसके बाद आपको यहां पे साइन अप जो है कर लेना है। साइन अप करने के बाद दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने फिर से एक wix का नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहां पे लेट्स डू इट पे आपको क्लिक कर
देना है। लेट्स डू इट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको डालनी पड़ेगी। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए साइट फॉर, आप यहाँ पे देख सकते हैं माई बिजनेस, ए क्लाइंट, ए कंपनी टू वर्क एंड समवेयर एल्स। आप यहाँ पे जो है माई सेल्फ आप चॉइस कर सकते हैं, उसके बाद शुड बी, और यहाँ पे आप जो भी आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ए ब्लॉग आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपको बिल्ड साइट प्रोफेशनली आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद आपके सामने जो है स्टार्ट नाउ वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ का जो बटन दिख रहा है उस पर आपको जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट नाउ आपको जो है कर देना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो है बहुत सारे टेम्पलेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं कि बहुत प्रकार के आपके सामने टेम्पलेट्स आ गए हैं। तो अब आपको जो है यहाँ पे एक टेम्पलेट चुनना है अपने ब्लॉग के लिए कि किस प्रकार का जो है आपको यहाँ पे ब्लॉग बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल ब्लॉग बनाना है तो आप ये ले सकते हैं, अगर आपको ट्रैवल ब्लॉग बनाना है तो ये ले सकते हैं, फूड ब्लॉग बनाना है तो आप ये वाला ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे जो है ब्लॉग यहाँ पे देख सकते हैं, एजुकेशन, न्यूज, जिस भी प्रकार का जो है आपको ब्लॉग बनाना है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे टेम्पलेट चॉइस कर लीजिए। यहाँ भी हम यहाँ पे एक पर्सनल ब्लॉग का जो है ले लेते हैं, तो उसको जो है आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट के बटन पे दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने जो है आपका टेम्पलेट कंप्लीटली आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके सामने आपके ब्लॉग का टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे तब आप देख सकते हैं कि पूरा जो टेम्पलेट है वो आपके ब्लॉग के अंदर आपके जो है टेम्पलेट जो है यहाँ पे आपको शो रहा है। अब आप चाहे तो इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग करके आप अपने अकॉर्डिंग इस ब्लॉग को यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आपको मेन्यू और पेजेस में कुछ चेंजेस करना है तो आप अपने मेन्यू और पेजेस में यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले मेन्यू और पेजेस पे आपको क्लिक करना है, और अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप मेन्यू और पेजेस में यहाँ से देखिए चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर पेज को ऊपर या नीचे करना है तो देखिए इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने पेज को भी जो है चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको और कोई नया पेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो अपना बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर्स भी लगा सकते हैं। आपको कहाँ का बैकग्राउंड चेंज करना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको इमेज लगानी है तो आप इमेज लगा सकते हैं, कलर लगाना है तो कलर लगा सकते हैं, वीडियोस लगाना है तो वीडियो लगा सकते हैं। आप अपने जो है थीम का, आप पूरे थीम का जो है यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ न्यू ऐड करना है तो यहाँ से आप न्यू ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू ऐड जो भी चीजें आपको ऐड करनी है, आपको क्या ऐड करना है, इमेज, गैलरी, वेक्टर शेप, जो भी बटन ऐड करना है, बॉक्स ऐड करना है, लिस्ट ऐड करनी है, वीडियो ऐड करना है, सोशल ऐड करना है, क्या आपको ऐड करना है, वो सारी चीजें जो भी आपको अपने ब्लॉग के अंदर एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है वो आप यहां से कंप्लीटली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, विक्स ऐप मार्केट, अगर आपको कोई ऐप लगाना है, कोई प्लगइन लगाना है तो वो भी आप इस यहां से लगा सकते हैं। अगर आपको मीडिया ऐड करना है, इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, फोटोज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करना है तो वो सारी चीजें आप मीडिया के ऑप्शन से कर सकते हैं। और अगर आपको माई ब्लॉग यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने हैं, माई ब्लॉग का नाम वगैरह आपको चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे भी साइड में भी एक मेन्यू देख सकते हैं, इसके अंदर जो भी आप अपने वर्ड्स का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनकी साइज चेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहां पे कंप्लीटली देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसके बाद आपको यहां पे सेव बटन पे क्लिक करके आपको जो अपना वर्क यहां से सेव करना है, और उसके बाद आप यहां से पब्लिक बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो है यहां पे ये जो टैम्पलेट है वो यहाँ पे पब्लिक होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं गेट ए फ्री विक्स डॉट कॉम डोमेन। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई डोमेन नेम नहीं है तो आप अपने डोमेन नेम से भी आप विक्स का डोमेन नेम भी यूज कर सकते हैं और उसका आप यहाँ से चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी चला देता हूं, जैसे विक्स का मैंने डोमेन नेम लिया ये वाला, और यहाँ से डोमेन लेके मैंने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब मेरा ये ब्लॉग जो है इसी नाम से जो है सेव हो जाएगा, डीजे वाला बाबू के नाम से। यहाँ पे देखिए सेव वाला जो है यहाँ पे प्रोसेस में चल रहा है, तो अभी ये सेव हो जाएगा। सेव का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं योर साइट वाज सेव्ड, यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग है वो सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डन का बटन आता है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। डन के बटन पे आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आपका जो ब्लॉग आपने बनाया, ये देखिए यहाँ पे पब्लिश के बटन पे जो है अभी यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो जो आप ब्लॉग बना रहे हैं वो ब्लॉग भी आपका यहाँ पे अब देखिए इस प्रकार से आपका ब्लॉग भी जो है यहाँ पे पब्लिश हो गया। तो इस प्रकार से आपने आप यहाँ पे कंप्लीटली आप ब्लॉग बना सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर साइट इज पब्लिश्ड एंड
इस लाइव ऑनलाइन, आप यहां पे देख सकते हैं अपनी साइट को, आप यहां से व्यू कर सकते हैं, और यहां से व्यू करने के बाद आप यहां पे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। डन के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो है wix.com पे आपका जो ऑनलाइन ब्लॉग आप बना रहे थे फ्री वाला, वो यहां पे कंप्लीटली बन गया। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप अपना नाम यहां से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको नाम रखना है अपना ब्लॉग का, ब्लॉग के अंदर कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए आप इस पे नॉर्मली अगर आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, पूरा का पूरा जो काम है यहाँ पे लाइव चलता है, कुछ भी आपको जो है अंदर से जाके नहीं करना है। जो भी आपको नाम चेंज करना है आप यहां से ही कर सकते हैं। देखिए टाइम, इसको मैं एक बार आपको करके बता देता हूं। देखिए यहां से आप आराम से इजीली नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे सब कुछ आप इजीली सारा काम कर सकते हैं। देखिए डीजे वाला बाबू मैंने बना दिया, और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वाला यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर दीजिए, नहीं करना है तो आपको ये वाला सेव बटन पे क्लिक कर देना है, और आपने ये जो अभी चेंजेस किया है वो आपका जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए वापस आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, और इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे ब्लॉग जो है कंप्लीटली बन जाएगा। इस प्रकार से आप wix.com पे अपना ब्लॉग बना सकते हैं, और wix.com पे ब्लॉग बना के अपना यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट रेडी करके आप इस पर पोस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, और पोस्टिंग करना स्टार्ट करके आप यहां से जो है अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवा के यहां से भी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपने एक अपना खुद का ब्लॉग भी क्रिएट कर लिया होगा। अगर आपने ब्लॉग क्रिएट कर लिया और उससे रिलेटेड आपके कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है और आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन है और आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अपने बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रो करना चाहते हैं, मार्केट एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी सीख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप हमारी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेके आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियोस लगातार देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।